फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट साड़ी का रिव्यू करने वाली हूँ। एक्चुअली इस तरीके की साड़ी मैंने ही फर्स्ट टाइम देखी है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। क्या है इस साड़ी में, देखिए इस साड़ी में जो इसकी खासियत है ना, ये है इसका प्रिंट नहीं है, बेसिकली एम्ब्रॉयडरी है ये, बट जो है ना ये बहुत ही डिफरेंट है। क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक सिल्क की साड़ी, बेसिकली सिल्क का फैब्रिक है ये, और इसमें बने हुए हैं जो चेस होता है ना, चेस शतरंज की मोहरे बनी हुई है इसमें, देख सकते हो आप, ऊंट, हाथी, वजीर, ये सब बने हुए हैं। और बहुत ही डिफरेंट मुझे लगा ये, मतलब नॉर्मली हम लोग साड़ी जो देखते हैं ना उसमें फूल पत्ते ये वो बने होते हैं, बट ये बहुत ही डिफरेंट साड़ी है। आजकल इस तरीके की मॉडर्न आर्ट वाली साड़ियां ना बहुत ज्यादा चलती हैं, तो आप इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूँ ना, तो उसमें तो भाई चेस्ट बोर्ड ही बन गया है, तो ये बहुत ही डिफरेंट लग रहा है मुझे तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आपको साड़ी पूरी दिखा देती हूँ। पूरे पल्ले पे आपको इस तरीके से बने हुए मिल जाते हैं मोटिव्स, ये आप देख सकते हो। पूरे पल्ले पे आपको मिल जाते हैं, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये येलो के ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। एम्ब्रॉयडरी की अगर मैं बात करूँ यार, बहुत ही नीट एंड क्लीन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ये साड़ी मैंने मंगवाई है जोश इंडिया से, तो आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, पूरी साड़ी में आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है, पूरी साड़ी में। ये इनर पार्ट है जो अंदर की तरफ आता है, बाकी पूरी साड़ी में आपको इस तरीके से फुल एम्ब्रॉयडरी मिलती है, और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब बहुत ही डिफरेंट साड़ी है, अगर आप डिफरेंट कपड़े पहनने के शौकीन हैं, डिफरेंट तरीके के डिजाइंस पहनने के शौकीन हैं, तो ये आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात करती हूँ इसके ब्लाउज पीस की, ये देख सकते हैं आप, इसमें पूरा चेस्ट बोर्ड बना हुआ है। इसकी फोटो मैंने लगाई है साइड में, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि बनने के बाद ये कैसी लगने वाली है। ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको 80 सेंटीमीटर या उससे ऊपर का मिलता है, मुझे तो ये कहीं से भी कम नहीं लग रहा है, आप देख सकते हो। तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनने के शौकीन हो ना, डिफरेंट तरीके की साड़ियां डिजाइंस पहनने के शौकीन हो, तो इन्हें चेकआउट कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, ये बहुत ही लाइट वेट है। मतलब अगर आप वर्किंग वुमेन हो ना, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप रेगुलर साड़ी पहनते हो, रोज रोज साड़ी पहनते हो, भारी भरकम साड़ियां नहीं पहनना चाहते हो, तो भी आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।